ओके सो गाइस, अगर आपके कुछ लोग कुछ फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं कर पा रहे थे सेशन को, सो देयर वाज अ टेक्निकल प्रॉब्लम जिसमें पार्टिसिपेंट्स इंक्रीज नहीं हो पा रहे थे, बट अभी हमने यूट्यूब पे सेशन को लाइव कर दिया है। तो आप N1, अगर आपने चैनल फॉलो कर रखा है, आपको ग्रुप में भी लिंक मिल जाएगा, आप N1 का यूट्यूब चैनल का लिंक ले सकते हैं जहाँ पे ऑलरेडी सेशन इस समय लाइव हो चुका है, राइट। सो गाइस, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आप ग्लोबल लाइफ टाइम रैंक रिवॉर्ड को अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट रैंक्स हैं एंड यहाँ पे आप अलग अलग रैंक्स को क्वालिफाई करने के बाद आपको रिवॉर्ड अच्छा खासा बड़ा होकर के मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस कि एमरल्ड होने पे आपको 1000 NR के, 10000 NR के मिलता है, फिर उसके बाद डायमंड पे आप देखेंगे 25000, एंड उसके बाद 1 लाख NR के भी मिलता है आपको ट्रिपल डायमंड पे, एंड उसके बाद रिवॉर्ड कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, 2 लाख NR के क्राउन डायमंड, 3 लाख 75 NR के वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्लोबल प्रेसिडेंट पे 6.5 लाख NR के तक का रिवॉर्ड आप अर्न कर सकते हैं। अब इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जैसे आप काम करते हैं, जिस स्पीड से काम करते हैं, उस स्पीड पे आप ग्रो कर सकते हैं। मल्टीपल अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में क्या हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे टाइम बाउंडेशन होता है और क्यूमुलेटिव टारगेट नहीं होता। ये क्यूमुलेटिव टारगेट है जो आपने पहले किया है, यानी कि आप अगर रूबी बन रहे हैं तो 1 मिलियन के अंदर आपका 750K सैफायर का ऑलरेडी काउंट हो चुका है, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रिवॉर्ड जो आप बहुत सिंप्लिसिटी के साथ, बहुत सारे सपोर्ट्स आपको मिल गए हैं यहाँ पे, तो ग्लोबल लाइफ टाइम रैंक रिवॉर्ड को आप अचीव कर सकते हैं इजिली। इसके बाद ग्लोबल लाइफ टाइम रैंक रिवॉर्ड के अंदर ही कुछ स्पेशल रैंक ऐसी है जिसे अचीव करने पे आपको एक एक्स्ट्रा इनकम होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एमरल्ड की, तो एमरल्ड बनने पे आपको 10000 NR के तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ गाइज आप आ जाते हैं ग्लोबल रैंक डिफरेंशियल रिवॉर्ड में। ग्लोबल रैंक डिफरेंशियल रिवॉर्ड में हमारी कुछ स्पेशल रैंक्स रहती है, लाइक एमरल्ड डायमंड, ट्रिपल डायमंड, रॉयल डायमंड एंड साथ ही साथ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। अब इसमें जो भी आपको अभी तक अर्निंग्स हो रही है उसके अलावा एक्स्ट्रा अर्निंग्स होना आपकी स्टार्ट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी एक कम्युनिटी है लेट से 100 पीपल की, तो उन 100 पीपल में अगर लेट सपोज आप एमरल्ड बन गए हैं, तो एमरल्ड बनने पे आपको जो ऊपर रिवॉर्ड मिला है 10000 NR के का, ये तो मिलेगा मिलेगा, साथ ही साथ अब आपको 3% एक्स्ट्रा अर्निंग होना स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम योर कम्युनिटी। इसी तरीके से अगर आप डायमंड बनते हैं तो 5.5% आपको एक्स्ट्रा आना स्टार्ट हो जाएगा, ट्रिपल डायमंड बनते हैं तो 7.5%, रॉयल डायमंड बनते हैं तो 9% एंड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं तो 10%। बट यहाँ पे हमें एक चीज याद रखनी है गाइस कि ये डिफरेंशियल रिवॉर्ड है, यानी कि सपोज कीजिए अगर आप डायमंड है और आपकी टीम में कोई एमरल्ड व्यक्ति बन जाता है, तो आपको उससे 5.5% नहीं आएगा, आपको बाकी सबसे 5.5% आएगा, लेकिन एमरल्ड से आपको कितना आएगा, 5.5% -3%, यानी कि 2.5%। ये ग्लोबल डिफरेंशियल रिवॉर्ड है जिसमें आपको एक एक्स्ट्रा अर्निंग मिलती है एंड आपके नीचे जो रैंक्स हैं उनसे एक डिफरेंशियल अर्निंग मिलती है, राइट। सो ये एक और हमारी एक्स्ट्रा इनकम हो गई। अब इसके बाद मैं बात करूंगा वन ऑफ द बिगेस्ट रिवॉर्ड दैट यू कैन अर्न विद N1, विच इज कॉल्ड ग्लोबल स्टेबिलिटी रिवॉर्ड। नाउ गाइस, ग्लोबल स्टेबिलिटी रिवॉर्ड इज वन ऑफ द अमेजिंग रिवॉर्ड। ये आपके केवल बिजनेस पे कैलकुलेट नहीं होता, ये केवल आपकी टीम के बिजनेस पे भी कैलकुलेट नहीं होता, ये टोटल कैलकुलेट होता है N1.Life पे ग्लोबली, पूरे वर्ल्ड से, पूरे देश से, विदेश से, जितने भी लोग आकर के N1.Life पे स्टेकिंग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन टोटल टर्नओवर का 1% कैलकुलेट होगा और डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा सभी डायमंड्स में। उसके बाद 0.5% कैलकुलेट होकर डिस्ट्रीब्यूट होगा डबल डायमंड में और रॉयल क्राउन में। सो आप सोचिए कि ये कितनी बड़ी इनकम हो सकती है कि टोटल टर्नओवर का आपको 1% देखने को मिल रहा है। एंड यू नो इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है, बहुत सारे अन्य प्लेटफॉर्म्स हम लोग देते हैं कि ये साल में एक बार मिल जाता है, 6 महीने में एक बार मिल जाता है, राइट, मंथ में एक बार मिल जाता है, बट यू नो N1 की अगर मैं बात करूं, N1 की पोटेंशियल एंडलेस है। यहाँ पे आपको ग्लोबल स्टेबिलिटी रिवॉर्ड डेली बेसिस पे मिलता है, यस इट इज ऑन डेली बेसिस, राइट। सो एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड अर्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिल गई। तो अभी हमने 6 से 7 ऑप्शन की बात करी, अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपके मन में होगा ना कि यार अगर मैं रिवॉर्ड लेना चाहता हूँ या फिर मैं स्टेकिंग कर रहा हूँ या मैं रेफरल कर रहा हूँ तो मुझे अर्निंग हो रही है, क्या मेरे पास कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें N1 में अगर मैं रेफर ना भी करूं तो भी मुझे अर्निंग हो। सो गाइस, ऑफ कोर्स आपके लिए यहाँ पे ग्लोबल ऑटो कूल एंट्री है जिसमें अगर आप रेफर नहीं भी करते हैं या किसी वजह से नहीं कर पाते हैं तब भी आपको अर्निंग होगी। कैसे, जैसे आप N1.Life पे आते हैं उसके बाद जो भी आ रहा है N1.Life पे वो ऑटोमेटिकली आपकी कम्युनिटी में आपके नीचे कनेक्ट होता है, और जैसे ये पेयर 2, 4, 8, 16, 32 एंड 64 टोटल हो जाते हैं, जैसे ये पेयर 64 टोटल होते हैं आप बन जाते हैं क्वालिफाइड NR के होल्डर, एंड इसमें आपको मिलता है ग्लोबल ऑटो कूल रिवॉर्ड। सो आपको मिलेंगे 30000 NR के, आपके नीचे जो दो लोग हैं उनको मिलेंगे 15000 NR के, फिर उसके नीचे 10000, 5000, 2000, 1000। सो इस तरीके से NR के डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो राइट नाउ यू कैन सी कि यार यहाँ पे कितने सारे मल्टीपल ऑप्शन हमें N1.Life में मिल रहे हैं जहां पे हम अलग अलग तरीके से अगर रेफर करते हैं तो भी अर्निंग होती है, रेफर नहीं करते तो भी अर्निंग होती है। इसी के साथ साथ आपको पता ही होगा कि ऑलरेडी जो बड़े बड़े मीडिया प्रेसेस हैं, जैसे मैं बात करूं डिजिटल जर्नल, याहू फाइनेंस, TNT, मार्केट वॉच, टेक बुलियन, डेली हंट,
स्टार्टअप इंडिया मैगजीन, ये सब बड़े बड़े मीडिया ब्रांड्स हैं। इसमें ऑलरेडी नॉर्डेक के बारे में चर्चा हो रही है एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट कि नॉर्डेक कितना ज्यादा यू नो बेनिफिशियल होता है हम लोगों के लिए एंड इट इज ग्रोइंग ग्लोबली लाइक अ रेवोल्यूशन। सो गाइज अभी हमने चर्चा करी कि कैसे N1 के थ्रू आप बहुत सारे रिवॉर्ड्स को अर्न कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल वीडियो दिखाना चाहूंगा जो कि हमारे यू नो नॉर्डेक के बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी का है। ही इज द सीईओ ऑफ नेमेसिस, जो आपने नेमेसिस डाउनफॉल गेम आपने देखा होगा, राइट? ही इज द सीईओ ऑफ दैट गेम एंड ही इज ऑल्सो अ नॉर्डेक एडवाइजर। तो मैं उनकी एक वीडियो, एक इंटरव्यू आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन। सो गाइज हेयर इज मिस्टर किम गैरी, टैम गैरी, जिनको आप देख सकते हैं, जो कि सीईओ हैं इटरनल स्टैक के। Kim Gary is the founder and CEO of Eternalis and Nemesis Studios, and he's here to talk about some of these projects you've been working on. You've really done quite a bit in the blockchain crypto space. Yes. It looks like of everything, Eternalis seems to be the most ambitious. I think so. Okay, tell And us about so, that one. absolutely. So we're working on something that's going to be akin to Amazon, but for the blockchain. So, as you said, it's very ambitious. It's a big project, but we have a great team. So the way we're going to do this is we have an EVM interoperable blockchain, so it's Solidity-based, something similar to Polygon. Okay. And then we have a centralized exchange as well, so that's similar to Binance or Bitmart or KuCoin. So we're going to be operating both of those businesses, but on top of the centralized exchange, we're going to build an e-commerce layer that allows people to buy goods and services with any digital assets. So say you're selling, you know, you want to sell an iPhone on the platform and you want Bitcoin for it, and I want to buy it with an oil token, right? Because in the future, you know, and I don't think it's going to be too far, everything's going to be tokenized, commodities, even equity. So maybe I can buy with my Apple stock your iPhone, and you'll get Bitcoin for it. So, you know, the liquidity of our centralized exchange will allow for those transactions to route. Okay. So that's kind of our vision. Amazing. So I would be able to buy almost like an eBay and Amazon, it sounds like a little That's bit, kind right. of combination. Yes. Like I could buy from other people, but then also some kind of merchant, right? Exactly. Yes. And I could do it in any kind of crypto that the other person will agree to accept. There it is. Yeah, that's the vision. Interesting. It's going to be a long road to get there, but I think we have a great plan. We have a really good team, and we're just building towards it. So I Yeah. think e-commerce will be coming out next year and our exchange the next month. So next month is when you'll launch the product. Yes, we're going to be launching the How product. can I find it or look it up? Oh, well, that's great. So we have, you know, all of our social media. It's at Eternalis on Twitter, eternalis.com. All the conventional social media will be on Instagram, everywhere. You can find us everywhere. Now, is that different than your centralized exchange, or is that the same thing? Eternalis, That's a all really part good question of too. So it'll be branded similar to how Binance does it. So, you know, if you look at Binance, they have Binance the exchange and the brand, and then they have the Binance Smart Chain, which is their blockchain. So we think that's a really good way to do things for brand recognition purposes. So all of, you know, our blockchain will be Eternalis, our exchange will be Eternalis, and so will the platform. Okay, so that's kind of the parent company, and you've Yes. got all these. Now, you're also doing gaming, like a play-to-earn game, which is Yes. another interesting application of blockchain. Tell me Yeah, about that. that's going to be really exciting. And actually, that's launching next month too. So we've been very busy. But, you know, we think that play-to-earn gaming is the future because play-to-earn gaming gives gamers the ability to own the assets that they purchase in-game. So really for two reasons. So that's the first reason. You know, with a traditional game like Call of Duty, Halo, something like that, each season the centralized gaming company issues different skins, and you know, the players will purchase the skins to use for that season, but they don't really own those. They can't trade those assets. We look at them as digital assets. So in our game, it's a first-person shooter game, Battle Royale. So everything's going to be an NFT in the game. So the guns will be NFTs, the skins will be NFTs. So you'll be able to purchase those, and you can trade them as you would, you know, a traditional, you know, kind of first wave of NFT, which we look at as art, right now. But I think these are going to have utility in our game. And then, of course,
you know, if I was given the option as a gamer to play Halo version 1 where I didn't make money playing, and then Nemesis Downfall or Halo version 2 where I could make money, I'm going to play the game where I can make money. Yeah, sure. Well, you know, I've heard some life-changing stories from these play-to-earn games, too, of people who've grown up in poverty in some, you know, third-world country that have been able to buy a mattress. I mean, I literally heard, like, for the first time because they were able to make the money gaming. Yeah, it's very inspirational, and we like to be a part of that. We like to help people around the world with our product, and I think, you know, we're decentralizing gaming. We're giving back to. Okay, so guys, basically, अभी आपने Mr. Cam Gehr का एक छोटा सा इंटरव्यू देखा. अब हमारे लिए एक स्पेशल मोमेंट है. I'm gonna invite Mr. Cam Gehr, and he'll be talking us live, and I'll be interpreting whatever he says in Hindi as well. So, Mr. Cam, welcome, and I hope you are doing great. I'm doing great. It's so good to be here. Very excited to talk to everybody about what Nordic's doing. First, I kind of want to go into the ecosystem that we've been building over the past month and a half. You know, it's time flying. Sorry to interrupt you, but let me tell you what I'm going to do. You'll tell me update one by one, and I'm going to interpret to the people in the Hindi as well. Okay. Sure. Let's go. Not a problem. So I'd like to talk about the ecosystem that we've been building first. तो सबसे पहले कैम बोल रहे हैं कि इकोसिस्टम की बात करने वाले हैं जो अभी ये लोग बना रहे हैं. Yes. So we're moving very quickly and very aggressively. The team is performing exceptionally well. We've placed 86 different partnerships already just in the past couple of weeks. Wow. So he's saying, guys, that already अभी ecosystem में बहुत तेज़ से काम चल रहा है. जो tech team है वो बहुत तेज़ से काम कर रही है. And अभी past कुछ weeks के अंदर ही 86 से भी ज़्यादा, 86 से भी ज़्यादा different partnership हो चुकी हैं. And I'd just like to emphasize the fact that partnerships are essential, obviously, for any business, but particularly for a blockchain network, because really, you know, we rely on partners to drive demand for the token. And so you go ahead. You could probably translate that. So he's saying, guys, that ki partnership business mein bahut zyada important hoti hai, kisi bhi business mein bade bade, you know, brands ke sath connect karna. Lekin jab baat aati hai guys blockchain ki, to blockchain mein partnership ka bahut zyada mahatva hai, kyunki jab alag alag partnerships hum log karte hain alag alag bade bade exchanges ke sath ya fir alag alag brands ke sath hum log connect hote hain, to wahan se hum ek bahut achhi usability aur bahut acha market and demand create kar sakte hain. And the reason why we need these partners is because they bring their communities to the blockchain. And you know, for example, you know, my game, we're bringing Nemesis Downfall to Nordic because obviously the team is incredible at Nordic. So you know, and you know, the users from Nemesis are going to come in and they're going to need to use the token to play Nemesis Downfall, and that token is going to be built on the Nordic blockchain. So that drives demand for NRK, and you know, that user demand is incredibly important. And you know, as I said, the team has already established 86 partnerships. We're looking into you know, some more partnerships that are going to be huge in gaming. I'm going to be working on those. You know, we have partnerships that we haven't even announced yet, big ones. We're we got Gate.io that we're going to be listing on Gate coming up. We have some other tier changes, so it's very exciting. परचेज करेंगे बिकॉज उनको नेमेसिस डाउनफॉल खेलने के लिए उनको कॉइन्स का यूज करना होगा. एंड जब ऐसा होगा तो बहुत बड़ी कम्युनिटी हमारे पास आएगी, एंड साथ ही साथ जिससे नॉर्डेक की ब्लॉकचेन भी ग्रो करेगी और एनआरके कॉइन की भी ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी. साथ ही साथ मिस्टर कैम का कहना है कि आने वाले टाइम में, अभी तो बहुत बड़ी पार्टनरशिप्स है, ये तो केवल एक यू नो ट्रेलर है छोटा सा, अभी बहुत बड़ी बड़ी पार्टनरशिप्स हैं जो अभी यू नो बताई भी नहीं गई है, बट अभी वो उन पे काम चल रहा है. एंड यू नो इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्वड इन अ ब्लॉकचेन इकोसिस्टम लाइक दिस एट सच एन अर्ली स्टेज. यू नो वी हैव सीन व्हाट्स हैपेंड विद Polygon, with you know, all these early kind of scaling chains. You know, the price right now has already moved 100%. You know, we started at I think 2 cents roughly,
Now we're up to approaching 50 cents. So even the folks that got in early, I think we launched on CoinStore, they've already done very well. And, you know, we have such an incredible future of building these partnerships in front of us and such tremendous growth. I think our fully diluted market cap now is only 100 million. You look at all these other chains, they're multi-billion. So we have a long way to go. And this is really the time to get in. We've built a strong foundation already, and we're going to keep building on that. Right. So guys, Mr. Kem is saying that abhi एक बहुत अर्ली स्टेज पे क्या फायदा होता है कि जैसे आपने पॉलीगन का एग्जांपल लें तो पॉलीगन पे जो अर्ली स्टेज पे लोगों ने कनेक्ट किया था उन्होंने बहुत अच्छा यू नो उसके साथ ग्रोथ देखने को मिली और काफी अच्छे रिवॉर्ड्स उन्होंने अर्न करे. इन द सेम वे अगर हम बात करें यहाँ पे एनआरके की या नॉर्डेक की तो यहाँ पे अर्ली स्टेज में जितने भी लोग हैं उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जहां से वो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी 2 सेंट्स पे लॉन्च हुआ था और अभी लगभग 5 सेंट्स के अराउंड ट्रेड कर रहा है. तो 100% से ज्यादा की ग्रोथ अभी हम कुछ वीक्स के अंदर ले चुके हैं. एंड कैम का कहना है कि अभी आप देखते हो कि 100 मिलियन हमारा एक छोटा सा टारगेट है बट कि यहाँ पे जो मल्टीपल ब्लॉकचेन्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर के आसपास ग्रोथ कर चुकी है. सो दैट मींस कि वी आर डूइंग एक्सेप्शनली वेल एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग इन द बैकग्राउंड एज वेल. यस दैट्स राइट. आई'd लाइक टू एम्फसाइज आल्सो द फैक्ट दैट वी आर ऑलरेडी सीइंग $20,000 ऑफ डेली बाइंग प्रेशर व्हिच इज वेरी एट एन अर्ली स्टेज एंड दैट्स ऑल ऑर्गेनिक. वी हैव over 1,000 users getting involved daily, which is very good. So we're very happy with what we've been able to achieve so far with just those kind of statistics there. So guys, अभी आप देख सकते हैं कि जो daily लगभग जो buying हो रही है वो लगभग $20,000 से ज़्यादा की daily buying है officially globally जो कि exchanges पे है and ये सारी की सारी organic buying है, right? एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि लगभग 900 से 1000 यूजर्स डेली जो है ब्लॉकचेन को अपना रहे हैं, एनआरके को अपना रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा एक तरीके से ग्रोथ इस फेज में माना जा सकता है. That's right. So, you know, another thing that I'd like to talk about real quick, just to remind everyone, we have a contest coming up that's actually closing in 2 hours. So, I just wanted to remind everybody about that. And we're going to be flying the winner out to Dubai. And you're going to have a chance to meet all the top management of Nordic. You're going to come to Dubai. And you're also going to be able to meet the founder and CEO, Rajesh. So I'd just like to remind everybody about that contest that we have coming up. It's very exciting. So make sure you get involved there, ending in 2 hours. Right, exactly. So guys, he's saying कि देखो अभी already 2 घंटे लगभग बचे हैं इस meeting के और उनके बाद. And there's a contest to fly to Dubai. आपने अगर दुबई ट्रिप को अचीव कर लिया है तो कॉन्ग्रेचुलेशन नहीं किया है तो अभी भी हमारे पास 2 आवर्स लेफ्ट हैं, 2 घंटे बचे हुए हैं. सो उसको मिस मत कीजिए बिकॉज लॉट ऑफ द पीपल आर गोना बी देयर जो कि आपको फेस टू फेस मिलेंगे एंड आप उनसे मीटिंग कर पाएंगे, बात कर पाएंगे एंड विजन शेयर कर पाएंगे. सो डोंट मिस दैट चांस. ही इज सेइंग दैट डोंट मिस दैट चांस एट एनी कॉस्ट. या यस दैट्स मैन आई विश आई कुड गो सो लकी राइट दैट पर्सन. We're going to be doing an airdrop too of 8 million coins. Wow, that's huge. 8 million coins. Through SoPay. So make sure you get involved in that airdrop. That's going to be huge. We have staking rewards for those folks that participate in our AMA coming up this week. It's 30% rewards. So we're doing a lot of giveaways. We really want to make this about the community. We want to build a strong foundation. We want everybody to get involved now, because now is the time. You know, if we get involved now, you know, the train has left the station and it's moving. So get involved. ओके सो गाइज मिस्टर कैम का कहना है कि देखो अभी बहुत सारे एयरड्रॉप्स आने वाले हैं, बहुत सारे कम्युनिटी बिल्डिंग के बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिलने वाले हैं एंड एयरड्रॉप होने वाला है लगभग 8 मिलियन कॉइंस का. सो इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट एयरड्रॉप्स जो आपको देखने को मिलेगा एनआरके में और इसको आपको मिस नहीं करना है. सो आपको रेडी रहना है और जितने भी यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो अपडेट्स जहां से मिलते हैं उन सबको आपको फॉलो करके रखना है. ही सेइंग दैट इसके साथ साथ बहुत सारे गिव अवे स्टार्ट होने वाले हैं. सो पूरा का पूरा फोकस चल रहा है कम्युनिटी बिल्डिंग पे जिससे आपकी बहुत ज्यादा मदद हो सके और आपको इजीनेस के साथ यहाँ पे ग्रोथ मिल सके. राइट. एंड आई गेस द लास्ट थिंग दैट आई'd लाइक टू क्लोज विथ इज वी आर लॉन्चिंग द NordPay
coming up in the next couple of weeks. And that's one of the staples of our kind of internal ecosystem with all the products that we're offering, because, you know, we have all these partners bringing their products to our chain, but we're also offering our own products. So NordPay partnered with Barclays Bank for that, and that's going to be next month. So, you know, now's the time to kind of take advantage of the pre-sale for that. Right. So guys, अभी Mr. Cam कह रहे हैं कि अभी NordPay कुछ ही हफ्तों में, एक से दो हफ्तों में NordPay लाइव हो जाएगा, एंड उसमें आपको देखने को मिलेगा जो सारी फैसिलिटीज है वो सब आप कर पाएंगे, आपको खुद का एक क्रिप्टो बैंकिंग ऐप सोल्यूशन मिल जाएगा. एंड जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत सारे पार्टनर्स हैं हमारे, तो वो अपने अपने प्रोडक्ट्स भी ला करके ये नॉर्डेक ब्लॉकचेन पे ला रहे हैं, जिससे बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. एंड साथ ही साथ हमारे पास खुद के भी सेल फोन प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, विच इज गोना बी रियली अमेजिंग फॉर एवरीबडी. एब्सोल्युटली. सो यू नो, इन क्लोजिंग आई जस्ट लाइक टू से आई एम एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट द अपॉर्चुनिटी टू बी एन एडवाइजर फॉर नॉर्डेक. आई एम वेरी इंप्रेस्ड विद व्हाट द टीम इज डूइंग, एंड आई नो, you know, we're going to do incredible things, all of us together. So Mr. Kim, I just want to ask one question, that what do you think is the potential of India? As we all know, there are a lot of people in India and they are crazy about crypto, and it is one of the biggest market that is involving in cryptocurrency. So what do you think about it? Well, I mean, India, I believe, just surpassed China in terms of population. Right. I think a lot of people are moving, you know, their businesses into India. India is picking up huge for investment. You know, it's incredibly important, and it's really growing on the world stage. So, it's going to be huge for crypto too. I think, it seems like regulators there are starting to embrace, the industry a little bit more. I know here in the US things have been very difficult in terms of regulation, but, very excited about India, and I'm personally excited to be a partner. Wow. Thank you. Thank you so much, Mr. Kim. So guys, अभी हम लोगों ने पूछा कि कैसा आपको क्या लगता है कि इंडिया में कितना बड़ा मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का, और किस तरीके से, व्हाट आर योर व्यूज. सो ही सेइंग कि अभी ऑलरेडी यू नो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो चाइना को सरपास कर चुकी है, और जो एक मूवमेंट है, एक क्रिप्टो मूवमेंट जो इंडिया में, वो नेक्स्ट लेवल है. आज तक जितना ज्यादा वॉल्यूम हमें, जितनी तेजी से क्रिप्टो में ग्रोथ देखने को मिली है, वो इंडिया सबको पीछे छोड़ चुका है, और यूएस में और बहुत सारी जगह ऐसा है कि वहां पर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा है जिसकी वजह से लोग तेजी से ग्रोथ नहीं कर पा रहे. बट वेन वी टॉक अबाउट इंडिया की, यहाँ पे अभी इतने ज्यादा रेगुलेशंस नहीं है, एंड एक अर्ली स्टेज है, यानी कि अभी भी एक ऐसा मौका हमारे पास है. वी आर इनटू दैट गोल्डन पीरियड दैट वी कैन ग्रो टुगेदर, एंड दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ही सेज दैट ही लव्स अबाउट इंडिया. एंड ही इज ऑल्सो सेइंग कि उसे, उन्हें अच्छा लग रहा है कि काफी इतने बड़े प्रोजेक्ट का इंडिया को वो पार्ट बन पाए हैं, एंड हिज विशेज आर ऑलवेज विद अस. राइट. थैंक यू सो मच मिस्टर कैम फॉर बीइंग हियर एंड शेयरिंग योर व्यूज. And I would like to say thank you so much for, you know, being here and giving your time to the community. And in the end, I would like to say Jai Hind and Namaste. Thank you. Thank you very much. Have a nice day. Okay. So guys, अभी हमने कुछ discussion किया. I know कि आपके कुछ सवाल होंगे, कुछ आपके, you know, suggestions होंगे. तो अभी उसको हम लोग discuss करेंगे बहुत जल्दी. बट वी हैव अ लिमिटेड टाइम, तो अभी उसको हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस कर लेंगे. सो गाइज, अभी आपने मिस्टर कैम को सुना, जिन्होंने यू नो काफी सारी अपडेट्स हमको दी. अभी बताया कि देखो, ब्लॉकचेन का अमेजोन वो एक तरीके से बनाना चाह रहे हैं, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन है वो काफी ज्यादा आपको देखने को मिलने वाला है, और साथ ही साथ यू नो ई कॉमर्स लेयर जब ऐड हो जाएगी, एक तरीके से इतने सारे ब्रांड्स के साथ हम लोग कनेक्ट होंगे, और ऑलरेडी गुड्स एंड सर्विसेज को आप वहाँ पे खरीद पाएंगे अपनी क्रिप्टो करेंसी के एक्सचेंज में. तो उनका फोकस एक ये है कि सारी चीजों को एक तरीके से ब्लॉकचेन के थ्रू डेवलप करना, और जो एक विजन हम लोगों ने देखा है कि ब्लॉकचेन दुनिया को आसान बनाता है, वो बनाना. इकोसिस्टम की हमने लोगों ने बात करी, उन्होंने बताया कि इकोसिस्टम में 86 से ज्यादा पार्टनर्स हैं जो कनेक्ट हो चुके हैं, जो कि बड़े ब्रांड्स हैं ऑलरेडी. और नेमेसिस डाउनफॉल एक ऐसा गेमिंग अपॉर्चुनिटी है जहां पे यू नो लोग आएंगे और वहां पे अर्न भी करेंगे, तो उसमें दोनों का फायदा है, जो गेम खेल रहा है उसका भी फायदा है, नॉर्डेक कम्युनिटी का भी फायदा है, क्योंकि नेमेसिस डाउनफॉल को प्ले करने के लिए आपको कुछ एनआरके कॉइन्स चाहिए होंगी, जो आप ऑफकोर्स परचेज करेंगे. एंड साथ ही साथ अर्ली स्टेज एक तरीके से अभी चल रही है, जैसे पॉलीगन के अर्ली स्टेज में जो लोग कनेक्ट हुए थे, आप उसके एग्जांपल से समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नेटवर्क बना और लोगों ने बहुत अच्छी ग्रोथ देखी. इसी तरीके से अगर मैं एनआरके कॉइन की बात करूं, तो एनआरके कॉइन अब से केवल कुछ ही दिन पहले लिस्ट हुआ था मात्र 2 सेंट्स का, और अभी लगभग उसकी प्राइस ऑर्गेनिक बैंक के थ्रू 4 to 5 सेंट्स पहुंच चुकी है, विच इज ऑन लाइव ट्रेडिंग, यू कैन सी इट ऑन ऑल द एक्सचेंजेस एज वेल. एंड साथ ही साथ द गुड न्यूज इज कि डेली कम से कम $20,000 की ऑर्गेनिक बाइंग अभी कुछ दिनों से रेगुलरली चल रही है, जिससे हम समझ सकते हैं कि दिस इज गोना बी ह्यूमंगस इन अ फ्यू मूवमेंट्स एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, अभी लगभग 900 से लेकर के 1,000 डेली यूजर्स हैं
जो N1 और NRK के साथ अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं. सो ही इज सेइंग दैट थिंग्स आर गोइंग इन द वे एंड बहुत तेजी से बढ़ रही हैं एंड इंडिया हैज द मोस्ट कैपेबिलिटी टू यू नो ग्रो विद दिस प्लेटफॉर्म. सो विद दिस वर्ड्स अब हम लोग बात करते हैं एक बार कुछ फटाफट से. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ nordec.io जहां पे जाकर के आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. काफी सारी इन्फॉर्मेशन की उन्होंने बात करी बट उसके अलावा आप और भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. सो लेट मी शेयर माई स्क्रीन एंड ओपन माई इंटरनेट ब्राउजर एंड अभी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन अवेलेबल है जिसको आप भी ले सकते हैं. सो लेट मी ओपन माई इंटरनेट ब्राउजर एंड लेट्स ओपन nordec.io राइट. सो गाइस nordec.io पे जब आप आएंगे सो इट्स अ इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट जहां पे आपको काफी सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी एंड यहां पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहां अपडेट होती रहती है. जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स है उसके बारे में भी लिखा हुआ है अपकमिंग सून. उसके साथ साथ Nordec ब्लॉकचेन के क्या क्या व्हाइट पेपर्स टेस्टनेट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड इन्फॉर्मेशन एवरीथिंग इज यू कैन रीड राइट हियर. इकोसिस्टम कमिंग सून ब्लॉग्स मतलब ये सारी चीजें आपको मिलेगी. व्हाइट पेपर अगर आप अच्छी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि व्हाट थिंग्स विल बी इन द फ्यूचर हाउ इट इज गोना बी प्लान्ड सो यू शुड ऑल्सो डाउनलोड द व्हाइट पेपर्स फ्रॉम हियर. तो व्हाइट पेपर यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. उसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे अलग अलग जो मीडिया ब्रांड्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी Nordec के बारे में चर्चा हो रही है उनका लिंक्स यहाँ गिवन है. तो आप अलग अलग जाकर के इन सब न्यूज मीडिया पोस्ट में जाकर के आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं Nordec के बारे में लोग क्या कह रहे हैं. Nordec ब्लॉकचेन के कुछ फीचर्स लिखे हैं कि 5 सेकंड के अंदर फास्ट ट्रांजेक्शन हो जाती है, कन्फर्म ट्रांजेक्शन, 99% डेलीगेट प्रूफ ऑफ स्टेक आपको मिलता है, जीरो गैस फीस आपको पे करनी होती है यानी कि ट्रांजेक्शन करने के लिए कोई गैस फीस पे नहीं करनी. उसके लिए ऑलरेडी बहुत सारे जो चीजें हैं वो बनाई गई हैं जिसके थ्रू यू नो रेवेन्यू जनरेट होता है. सो यहाँ पे आपको काफी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दिस आप देख सकते हैं कि एनआरके का टोकनॉमिक्स जो मैंने आपसे डिस्कस किया था वो यहाँ पे गिवन है. आप एनआरके को बाय करना चाहते हैं तो उसके अलग अलग लिंक्स हैं. कॉइन बी एक्स से आप कर सकते हैं, कॉइन स्टोर से कर सकते हैं, देयर लॉट ऑफ ऑप्शंस. उसके बाद Nordec इकोसिस्टम में अभी बात करी मिस्टर कैम ने नॉर्पे के बारे में जो कि अगले ही कुछ हफ्तों में यू नो लाइव हो जाएगा जहां से आप एक आपको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा पेमेंट का जहां से आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट कर सकते हैं. सो इट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी अराउंड द ग्लोब एंड Nordpe बहुत ज्यादा आसानी लाने वाला है हम लोगों के लिए. Nordswap के बारे में आप पढ़ सकते हैं, एक स्वैपिंग फैसिलिटी आपको मिल जाती है जहां पे आप अलग अलग एसेट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं. उसके बाद Nordflix जहां पे आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है जहां पे आप यू नो ऑनलाइन जितने भी ब्रांड्स हैं जो हम Amazon से परचेज करते हैं, Flipkart से परचेज करते हैं, Uber, Samsung पे, Apple पे, Adidas, ऐसे हजारों ऑनलाइन ब्रांड्स का पेमेंट आप अपने Nordflix के अकाउंट से क्रिप्टो करेंसी को यूज करके कर पाएंगे राइट. उसके बाद गेम हब की बात करिए, Nemesis Downfall, बहुत सारे गेम्स जैसे भी Nordfly टेलीग्राम गेम है उसमें भी कॉम्पिटिशन चल रहा है और ये सारी चीजें आती रहती है. तो यहाँ से आपको काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इकोसिस्टम के बारे में और Nordec के बारे में. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे क्रू में से आज हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं कैम गैरी से, कल हमने ऐश्वर्या जैन से बात करी थी. सो पीपल आर टेकिंग ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड काफी तेजी से चीजें आगे बढ़ रही है. उसके बाद पार्टनर्स की अगर बात करें, coinbx.com पे ऑलरेडी लिस्टेड है, कॉइन स्टोर पे लिस्टेड है, कॉइन गैको पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, डेक्स ट्रेड एंड xt.com. सो लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जो आपको पढ़नी चाहिए, जो आपको खुद से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए एंड यू कैन गो टू nordec.io. अब गाइज यहाँ पे हमारी मोस्ट ऑफ द चीजें हम लोगों ने समझ ली है. लास्टली अभी हमारे पास टाइम बहुत कम है क्योंकि मुझे पता है कि दुबई ट्रिप भी बहुत सारे लोगों को अचीव करना है. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच एक और एक्सपर्ट को जिनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो इंडस्ट्री का एंड उनके पास काफी सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं. ही इज द प्रॉब्लम सॉल्वर, ही इज द डाउट क्लियरर. आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर नवीन जी सो दैट कि वो आए और कुछ जो हमारे लोगों के डाउट्स हैं उनको भी क्लियर करें और साथ ही साथ अपने कुछ व्यूज भी आज रखें जो हमारे साथ मिस्टर कैम ने शेयर कराए उन बातों पर. सो मिस्टर नवीन, आई वेलकम यू, आइए हमारे साथ और कुछ चीजें शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच अभिनव, थैंक यू सो मच मिस्टर कैम. आपने बहुत सारी इंफॉर्मेशन है वो N1 कम्युनिटी तक पहुंचाने की 100% डिलीवर करने की कोशिश की है और अभिनव ने मेरे ख्याल से जो भी चीजों को ट्रांसलेट करके है वो हम सब लोगों के बीच में उनके जो थॉट्स हैं उनको शेयर किया है. तो थैंक यू सो मच अगेन. तो फ्रेंड्स, मैं कहना चाहूंगा इतना ही कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन शेयर होती हैं nordec.io की वेबसाइट पे भी. आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन जैसा अभी अभिनव ने शेयर किया और बहुत सारे लोग हैं वो जो सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करते हैं वहां पे भी बहुत सारी चीजें मिलती हैं. अभी सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक बहुत बड़ा एयरड्रॉप जो बताया गया है कि 8 मिलियन कॉइन का यानी 80 लाख कॉइन का एक बड़ा एयरड्रॉप आने वाला है जो अभी कुछ समय में ही या कुछ एक दो दिनों में ही उसका अनाउंसमेंट हो करके अनाउंस हो चुका है और वो चीजें स्टार्ट होने वाली हैं. और जैसा कैम ने बताया कि जो एक्सचेंजेज हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंजेज हैं जहां पे एवरीडे 20,000 US डॉलर की बाइंग मतलब
इंक्रीमेंट देखा जा रहा है कि कैसे एक्सचेंज पे बाइंग प्रेशर है वो इस तरीके से क्रिएट हो रहा है जिस जिस तरीके से एनआरके की डिमांड बढ़ रही है। तो बात करते हैं सिंपल चीजों पे कि बहुत सारे हो सकता है डाउट्स भी हो, क्वेश्चन भी हो, तो आज मैं थोड़ा सा मौका भी दूंगा कि जो लोग N1 को एंजॉय कर रहे हैं उनसे उनमें से मैं इनवाइट भी करूंगा कि अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करें और किस तरीके का फील कर रहे हैं। बट सबसे बड़ी बात मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि बहुत से लोगों को ये होगा कि दुबई कॉन्टेस्ट अचीव करने में अपने को कुछ घंटों की रिलीफ मिलनी है या फिर हमें कुछ एक्सटेंड होना है, तो सिंपली इस चीज को दिमाग से 100% दिमाग से निकाल दीजिए कि इस तरीके का कुछ भी नहीं है। जितना जो टाइम ड्यूरेशन पे जो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली होनी है उस क्लोजिंग पे ही आप अपने जो जो आपका अचीवमेंट जो निकलना है उसको 100% कंफर्म कीजिए। दूसरा, आज मैं आपके साथ में काफी सारे नाम है वो अनाउंस भी करने वाला था कि कौन कौन है वो दुबई अचीवर्स हैं, लेकिन समय ज्यादा पहले से ही ऑलरेडी लग गया है इधर, तो इन सब चीजों को अनाउंस करने के साथ साथ में ही सबके जो जितने भी अचीवर्स हैं उनको कल है वो आप N1 की वेबसाइट पे भी आप सारे अचीवर्स की लिस्ट है वो आप वहां पे देख पाएंगे। तो नो डाउट जितने भी अचीवर्स हैं जिससे फाइनल अचीवमेंट की लिस्ट निकल जाएगी उसके बाद में सारे अचीवर्स है वो वहां पे शो किए जाएंगे। संजय जी आप हैंडरेज कर रहे हैं, तो सिंपल चीजें बात यही है जो लोग N1 के कुछ बुलेट पॉइंट की अगर मैं चर्चा करूं, बाकी नॉर्डिक इकोसिस्टम के बारे में बहुत अच्छे से यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाती है, लेकिन N1 क्यों अपने आप में यूनिक है, N1 क्यों तेजी से मतलब लोगों के द्वारा या हम सब लोगों के द्वारा N1 अपॉर्चुनिटी को ग्रैप किया जा रहा है। N1 NRK अडॉप्ट करना एक नॉर्डिक इकोसिस्टम को देख करके हर किसी में ही अपने आप में होता है कि मुझे NRK अडॉप्ट करना चाहिए, मुझे NRK परचेज करना चाहिए, लेकिन NRK अडॉप्ट करने के साथ में ही N1 में ऐसी क्या खूबसूरती है जिसपे वो ऑलरेडी उसको स्टेक करने के लिए तेजी से उस पर भी धीरे धीरे कम्युनिटी इतनी तेजी से बढ़ रही है जो आप सोच नहीं सकते। सिंपल चीज, आज तक रेफरल मार्केटिंग की दुनिया में, एफिलिएट मार्केटिंग की दुनिया में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं आया जिन्होंने आपको कोई जीरो गैस फीस प्रोटोकॉल के थ्रू, वहां पे कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं, वहां पे कोई विड्रॉल चार्ज नहीं, वहां पे किसी तरीके की कैपिंग नहीं, प्लान इतना यूनिक और पावरफुल, जो एक बोलते ना कि कैरियर प्लान इन द सेंस सिंपल चीज की आपके पास में एक इनकम है वो रेगुलर कैसे आती रही। रेगुलर इनकम आने के कुछ पॉइंट्स, वन टाइम आपने टीम रेफर वो जो वन टाइम फर्स्ट रेफरल रिवॉर्ड है वो आपने अचीव किया, उसके बाद टीम रेफरल रिवॉर्ड है, आपने जो टीम क्रिएट की है वो टीम जितने टाइम तक रिवॉर्ड अचीव कर रही है यहाँ से, तब तक आप भी लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अपनी इनकम की सस्टेनेबिलिटी के लिए आप भी वहां से रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। पहली चीज, आप जब रिवॉर्ड पे वहां पे किसी तरीके की कोई कैपिंग लिमिट नहीं है, नहीं तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म ऐसे आते हैं कि इतना डाला इतना परसेंट आपको मिल गया, उसके बाद और डालो, ये करो वो करो, किसी तरीके की कोई कंडीशन नहीं है, इतना ओपन सारी चीजें हैं, राइट। अब उसके बाद में टीम रेफरल रिवॉर्ड को आप एंजॉय कर रहे हैं, उसके साथ साथ में ही आपने अचीव किया कोई भी रैंक। अब खूबसूरती देखना, रैंक में वन टाइम रिवॉर्ड लिया आपने, उसको कहीं ना कहीं अपने प्रेशर के चक्कर में कहीं ना कहीं उसको सेल कर दिया, सेल करने के साथ में आपने उसकी हो सकता है कि कुछ रिक्वायरमेंट्स हो, आपने कम प्राइस पे उसको बेच दिया, लेकिन वहां पे क्या खूबसूरती डाली गई है कि जैसे ही रिवॉर्ड अचीव हुआ 40% आपके वॉलेट में तुरंत आ गए। उसके बाद आपकी इनकम को रेगुलर मंथली आपने जो लेवल अचीव किया है, जहां पे आपने एक अपना स्टैंडर्ड बनाया है, उस स्टैंडर्ड को कंटिन्यू मेंटेन रखने के लिए आपको एवरी मंथ 15% यानी जो रेस्ट 60% है, जो बचा हुआ 60% है, वो आपको अगले 4 महीनों में आपको डिलीवर किया जाता है। तो 4 महीनों में जैसे जैसे रेट इंक्रीज होने का बेनिफिट आपको मिल रहा है, वहां पे आप बड़ी भी रेट में इंक्रीज कर सकते हैं, हो सकता है सबकी अपनी अपनी पर्सनल जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहां पे लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल इनकम को एंजॉय करते चले जा रहे हैं जैसे जैसे आपकी इनकम यहाँ पे बढ़ रही है। नो डाउट कॉइन की जो प्राइस है, जिस तेजी से कॉइन की डिमांड बढ़ रही है, जिस तरीके से जो होल्डर्स क्रिएट हो रहे हैं उनके थ्रू बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि किस लेवल पे NRK है वो जाने वाला है, राइट। तो उसके साथ साथ ही रिवॉर्ड अचीव करने के बाद में मैं आपको बताया कि यहाँ पे डिफरेंशियल इनकम एक अपने आप में बहुत यूनिक चीज है, इसके साथ साथ में ही ग्लोबल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन एक अपने आप में यूनिक है,
साथ ही ऑटो पूल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटो पूल रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो सकता है बहुत से लोग हैं वो कंफ्यूजन में है कि कैसे ये ऑटो पूल रिवॉर्ड वो मिल रहा होगा। आप बिना किसी को रेफर किए हुए भी आप यहाँ से इन केस मिनिमम मिनिमम 1000 NR के भी अगर आपने यहाँ से परचेज वो आपको रिवॉर्ड में मिला है। हालांकि जो जो जिस जिस तरीके से पहले आओ पहले पाओ फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस के अकॉर्डिंग आप जैसे ही जो क्वालिफायर्स का पूल है उस पूल में जैसे इंटर करते हैं तो वहां से ये तय हो गया कि आपके पास एनआर के आना है। अब आप जिस टाइम पे आए हैं उस टाइम डिसाइड करेगा कि आपके पास आना कितना है। लेकिन आप एग्जांपल आज आपने जो एंजॉय कर रहे हैं अपने रेफरल या फिर अपने स्टिकिंग रिवॉर्ड को एंजॉय कर रहे हैं, एग्जांपल आपने 10,000 NR के उधर डाला, आपने उसका 10,000 NR का आपने वहां से 25,000 NR के आपने एंजॉय करना है या 22,000 NR के आपने एंजॉय करना है एक लिमिटेड टाइम में 18 मंथ में। लेकिन आपने उसके साथ साथ में ही 1000 पॉइंट भी अगर आपने और इंजॉय करना है मिनिमम, और आप बिलीव कीजिए आपने आज उस एनआर उस एनआरके को अचीव करके और आपने अपने वॉलेट में भी उसको रख लिया और एनआरके जिस तेजी से जो नॉर्डिक के जो कोलैबोरेशन और जो प्लानिंग है उसके अकॉर्डिंग मैं इतना कहता हूं कि मिनिमम आपके पास में $1 हुआ अगले 2 साल में तो आपके पास में $1,000 का एक आपको कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मिल रहा है। तो यहाँ से बहुत तेजी से लोग हैं वो पैसा बना रहे हैं, प्लान बहुत स्मूथ है, कोई रजिस्ट्रेशन का पैसा नहीं है। बहुत से लोग हैं, बहुत सी कंपनी या बहुत से प्लेटफॉर्म ऐसे आते हैं जहां पे रजिस्ट्रेशन के नाम पे $50 चार्ज किया जाता है या $100 या $25 या $30 $39 ऐसा कुछ होता है जहां पे वो बैक ऑफिस मेंटेनेंस के नाम से चार्ज करते हैं। उसके बाद आप उसमें कोई भी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पे कोई रजिस्ट्रेशन का चार्ज नहीं है। फ्री में अकाउंट ओपन हुआ आपने उसमें अपनी क्वांटिटी डाली और वहां से एंजॉय कर रहे हैं। साथ ही विड्रॉल की कोई फीस नहीं है जबकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पे 10-10% विड्रॉल फीस डिडक्ट होती है। तो कहने का मतलब है कोई विड्रॉल फीस नहीं, दूसरा कोई लिमिट नहीं है आप कितने भी विड्रॉल करो। ऑटो विड्रॉल फैसिलिटी ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुकी है क्योंकि मैं विड्रॉल नहीं मारता क्योंकि मेरे को पता है कि एनआरके की वैल्यू कहाँ बनने वाली है। तो जैसे ही मैं विड्रॉल मार करके देखूं इससे बेटर है कि मेरे वॉलेट में पड़े हैं। तो यहाँ पे विड्रॉल एनी टाइम विड्रॉल है, जब मर्जी विड्रॉल कीजिए। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी है और N1 जो जो बात करते हैं बैक ऑफिस और इतना स्मूथ बनाया जा रहा है जो कि अभी अपडेशन में है, नया अपग्रेड हो रहा है, काफी सारी चीजें उसमें और फीचर्स बहुत सारी चीजें ऐड हो रही है। तो फ्रेंड्स हम सारे लोग सौभाग्यशाली हैं, संजय जी आपने हैंडल किया है, मैं अभी आपके ही उस पे आता हूं। तो अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी डिस्कशन है, कोई भी किसी तरीके का कोई क्वेश्चन है तो ओपन है। संजय जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बताइए आपका क्या कंसर्न है। जी सर मैं संजय बोल रहा हूँ, आ रही है समझ? जी 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 सर। मैं एक्चुअली मेरा छोटा सा सवाल था वही ग्लोबल ऑटो पूल का, उसको क्लियर क्लियर कीजिए, क्लियर नहीं हो रहा है ना वो। अगर मैं आज ज्वाइन होता हूँ 25,000 कॉइन से तो इसमें प्लान में बताया गया कि अगले जो भी लास्ट 64 का है ना जो बनना है जी जो सर बताते हैं प्लान में, तो क्या मेरे पास जितने भी N1 में आएंगे जितने बंदे वो मेरे नीचे आएंगे? मैं आपको ये चीज क्लियर करता हूँ। आपकी प्लेसिंग यहाँ पे प्लेसिंग होने का मतलब है आप किस लेवल पे चल रहे हैं। सबसे पहले कोई भी जो पार्टिसिपेंट आता है वो ऑटोमेटिकली अपनी प्लेसिंग लेता है। आप एग्जांपल इसी से समझेंगे कि मान लो वो फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है, उसके बाद आप आए तो आप उसके लेफ्ट में प्लेस हो गए, राइट। अब उसके बाद में मैं आया तो मैं उस प्लेसिंग के राइट में प्लेस हो गया, ठीक है। अब आया तो मैं आपकी बात था लेकिन मैं आपके राइट में हूं, समझना इस बात को। उसके बाद अभिनव आता है, यानी वो लेवल कंप्लीट हो गया ना। अब अभिनव आता वो आपके लेफ्ट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद में दीपक बिसानी जी आते हैं वो फिर आपके राइट में आएंगे। उसके बाद पंडित जी आते हैं वो मेरे लेफ्ट में आएंगे या फिर वहां पे सॉरी हाँ मेरे लेफ्ट में आएंगे। उसके बाद कोई थर्ड पर्सन आता है वो मेरे राइट में आएगा। फिर इस तरीके से प्लेसिंग होती है और जैसे ही 64 हो जाते हैं वहां पे सबसे पहले आप होते हैं या सबसे पहला जो जो पार्टिसिपेंट होता है वो वहां से क्वालिफाई करके निकल लेता है और वो क्वालिफायर के पूल में चला जाता है सबसे नीचे नीचे।
फिर जैसे ही कोई और आता है वो उसके लेफ्ट टू राइट इसी तरीके से शिफ्टिंग होती है, और वो जैसे ही 64 की टेबल कंप्लीट होती है सबको रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो जो फर्स्ट टाइम जो अचीव होकर के आता है, जो फर्स्ट लेवल पे होता है, उसको 30,000 एनआर के मिलते हैं, 30,000 एनआर के। उसके बाद सेकेंड जो दूसरे दो क्वालिफायर्स होते हैं उनको 15,000 मिलते हैं। इस तरीके से सारे लेवल तक 32 लोगों में 1,000 डिस्ट्रीब्यूट होता है, 16 लोगों में 2,000 होता है, 8 लोगों में 5,000 होता है, और 4 लोगों में 10,000 होता है, और 2 लोगों में 15,000 होता है, और 1 में 30,000 होता है। इस तरीके से 64 को डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और वो टेबल वहां से खाली हो जाती है। उसके बाद फिर कोई भी जो क्वालिफायर होता है वो वापस से इसमें प्लेस हो जाता है। सर क्वालिफायर जो बोल रहे हैं ना, सर ये जो बोले ना क्वालिफायर, व्हाट इज क्वालिफायर, इसको बोलेंगे हम क्वालिफायर। व्हाट इज क्वालिफायर, आप रजिस्टर करके आए, आपके नीचे 64 का कंप्लीट हो गया आपका लेवल, आप क्वालिफायर। फिर क्वालिफायर होने के बाद में जैसे ही आप वहां पे क्वालिफायर क्लब में आते हैं, वहां पे क्वालिफायर्स लोग 64 होते हैं, तब रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब मेरे नीचे 64 ज्वाइन होंगे तब क्वालिफायर बनते हैं हम, राइट? ऑटोमेटिकली आएंगे, उसमें आपका कोई ज्वाइन करवाने का नहीं है। ओके ओके, बट ये हम देख नहीं पाएंगे ना कि हम कहाँ पे हैं, ये तो हम देख नहीं पाते ना। ये देख पाएंगे आप, अभी लेटेस्ट अपग्रेडेड जो बैक ऑफिस है उसमें आप सारी चीजें देख पाएंगे। ओके, और सर इसमें छोटा सा एक पॉइंट है कि कितने अभी एनुअल लाइन में कितने अभी तक मेंबर ज्वाइन हुए, उसको कुछ होना चाहिए अपडेट कि इतने ज्वाइन हो गए, है ना? ये कम्युनिटी कितनी कम्युनिटी है, इस सारी चीज की अपडेट है वो अपने को लेटेस्ट बैक ऑफिस जो तैयार होगा उसी में ही मिलेगा कि इतने नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट है वो इसमें होते चले जा रहे हैं। आप अपनी टीम में कितने पार्टिसिपेंट हैं वो आप वहां से सारा का सारा अपने ट्री में देख सकते हैं। टोटल कम्युनिटी अनाउंसमेंट ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कितनी कम्युनिटी आई है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू डॉक्टर आर के जी। हेलो जी, कैन यू हियर मी? यस यस या सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे मैंने एक अमाउंट लगा करके एक अकाउंट ओपन किया, स्टेकिंग पे लगा दिया मैंने, ठीक है जी। अब इसमें अगेन ऑप्शन दिखाई देता है टॉप अप का जी, सेम अकाउंट में, और जैसे मैंने वो टॉप अप किया वो टॉप अप भी हो जाता है, लेकिन वो टॉप अप होकर के वो सेकंड अकाउंट बना देता है उसका, वो उसके साथ टॉप अप नहीं होता जो मेरी प्रीवियस अकाउंट है। सो इसमें या तो वो टॉप अप का ऑप्शन ना आए, और अगर ऑप्शन आता है तो वो उसमें ऐड हो। मतलब मेरे साथ ये हो चुका है एक्चुअली, इनिशियली आई पुट 2,61,000 एनआरके इन माय अकाउंट, राइट? Then I want, okay, I should upgrade it for 3 lakh, okay? Okay. I want to add some NRK to this account to make it 3 lakh, okay? Right. So, okay. First I think I should try with 3,000. If it is adding it, I was having some doubt. So, I tried with 3,000 NRK. Then it created a second account into that. And it is saying I have on that two accounts. And my now 2,61,000 amount is not showing there. Yes, daily reward is coming, that is not problem, but now my level which was 10 for 2,61,000, but now for that is showing for 3,000, that is showing 5 levels. So actually either we should stop that second top up of that same account, or we should add on to previous amount. Okay, so there is one loose hole on that thing. राइट, मैं आपकी बात अंडरस्टैंड करता हूँ। ये टिकट भी, ये इसका जो कंसर्न है उसका ऑलरेडी जो सिस्टम अपग्रेड हो रहा है उसमें नहीं होगा, उसमें आपकी लेवल्स वगैरह सारे आपको दिखेंगे, और आप जितने अकाउंट यानी जितने पैकेज बाय करते हो एवरी पैकेज की डिटेल है वो आपको वहां पे दिखेगी। बट आपको अगर आपने 2,61,000 कॉइन लिया है और आप चाहते हो कि मैं इसको 3 लाख करूं, तो मैं उसमें 39,000 कॉइन है वो और एड कर दूं, राइट? लेकिन आप वहां पे 39,000 नहीं कर पाएंगे, आपको 39,000 डालना है या 40,000 और डालना है, तो आपको सेकंड वाली कैटेगरी जो 25,000 से लेकर के 1 लाख वाला है वो वाला पैकेज बाय ही करना पड़ेगा आपको, सेकंड पैकेज। नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके,
इट्स ओके, दैट्स नॉट द प्रॉब्लम, बट आप उसी अकाउंट में उसको सेकंड वाले को ऐड करने का ऑप्शन ही हटा दे, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है एक्चुअली. इट इज क्रिएटिंग कंफ्यूजन कि मैं उसको ऐड कर रहा हूँ तो वो मेरे पिछले में अकाउंट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि सेम अकाउंट में तो सेम टॉपअप एज ए टॉपअप आई एम टेकिंग इट एज ए टॉपअप ऑफ द सेम अमाउंट. बट इट इज नॉट द टेकिंग द टॉपअप, इट इज क्रिएटिंग ए माई सेकेंड अकाउंट. राइट राइट ओके. सो एंड दैट लेवल इनकम इज ऑल्सो अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, ये सारा अपडेट नया अपग्रेडेड सिस्टम नया. राइट राइट, मैं अंडरस्टैंड कर पा रहा हूँ आपकी बात को. नया जो अपग्रेडेड सिस्टम आएगा उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं रहेंगी. आपने कितने पैकेज बाय किए वो भी आपके बैक ऑफिस में शो करेंगे, उनका कितना रिवार्ड आ रहा है वो भी शो होगा, और आपके जो लेवल है वो आप जो फर्स्ट पैकेज बाय करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपके लेवल्स हैं वो रहेंगे. Yes, that is showing in my account like that. I have two top ups. One is 3K NRK and one is 2.61 lakh NRK. That is showing there, and my income is also giving a 12 for the 3 okay. NRK. And I got it. Understand. But my levels are gone. Levels now I am seeing the levels 5 for the latest of 3000 NRK. Okay. So that is not showing for my 2.6. आप support पे mail डाल दीजिए. Support पे mail. Sir, I have raised the ticket yesterday evening. Okay. तो आप मुझे एक काम कीजिए, आप मेरे को पर्सनली आप अपने जिनके भी थ्रू ज्वाइन है आप मेरे तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए, तो मैं इसका सॉल्यूशन है वो कल करवाने की कोशिश करता हूं. सर सो हाउ कैन आई गेट योर एसएस, आई डोंट नो. आप जिसके भी साथ में ज्वाइन किया है उनसे पूछिए कि अगर कहीं ना कहीं वाया वाया अगर मेरे तक पहुंच जाती है चीजें, वो उनको बोलिएगी मेरे तक पहुंचा दें. ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू. विकास जी. जी सर. सर नमस्ते. जी जी नमस्ते. मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो दुबई का टूर 10 तारीख को फाइनल किया, वो डेट फाइनल है या कुछ उसमें चेंजेस है? ये बात 10 तारीख को फ्लाई डेट है तो 10 को ही फ्लाई होगी, कंफर्म डेट. ओके सर थैंक यू. ओके थैंक यू सो मच. तो अभी मैं आपके साथ में कुछ एक्सपीरियंस भी शेयर करवाना चाहूंगा, तो यहाँ पे पंडित जी अवेलेबल हैं. पंडित जी आप हैंड रेज कीजिए, आप कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं. हेलो. यस. फिलहाल तो एक्सपीरियंस शेयर करने लायक हुआ नहीं हूं मैं. ओके. बहुत बहुत इनिशियल लेवल पे स्टार्ट किया है. जी जी. पर ये है कि दुबई आप लोगों के साथ रहूंगा. वेरी गुड नाइस. और मैं चाहता हूँ कि तभी अपने नाम के साथ और एक चेहरे के साथ आप लोगों के बीच में हूँ जब एमरल्ड क्वालिफाई कर लूँ. वेरी गुड, एडवांस में आपको कांग्रेचुलेशन. थैंक यू थैंक यू. इस प्लान की जो सबसे बड़ी ब्यूटी मुझे दिखती है वो आरओआई नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, लेवल नहीं है. आपने उसके बाद जो दिया है ग्लोबल क्लब एमराल्ड, ये इस तरह की जो फेजेस हैं, ये आपको इतनी बड़ी इनकम देने वाले हैं जो आपको इनिशियल लेवल पे सोच ही नहीं सकते. क्योंकि ये एक जो प्रोडक्ट बेस्ड प्लान होते हैं, जो एक रॉयल्टी बेस्ड प्लान होते हैं, क्योंकि मैं जब देखता हूँ कि हम एमराल्ड क्वालिफाई कर जाते हैं और 1 लाख एनआरके यदि पर डे मेरी टीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं तो 3000 एनआरके पर डे मेरे पास आने वाले हैं. राइट. तो ये इतनी बड़ी ब्यूटी जो आज तक किसी भी क्रिप्टो के कॉन्सेप्ट में देखने को ही नहीं मिली. यही सिस्टम है जो एनआरके को, नॉर्डिक को, बाकी सब सिस्टम से डिफर करता है, एज वेल एज किसी भी कम्युनिटी बिल्डअप कंपनी में यदि कोई कंपनी अपने क्वाइन को डे फर्स्ट दो दो एक्सचेंज पे एक साथ लेके आ रही है, 2 लाख 3 लाख 4 लाख USDT का टर्नओवर वहां हो रहा है, तो हम सोच भी नहीं सकते. मैं तो सिर्फ इतना देख रहा हूँ कि 6 महीने बाद जो हमारा मिनिमम पैकेज है 3000 टोकन 3000 एनआरके वाला, वो $3000 पे जाने वाला है. वेरी गुड. तो आप नहीं, मैं भी यही देख रहा हूँ. मैं भी यही देख रहा हूँ. यहाँ आज ये अगली स्टेज में एक ऐसा मौका हम सब लोगों के हाथ में है कि यहाँ से एनआरके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बाय किया जाए और रेट इंक्रीज होने से पहले बाय किया जाए और अपना पोर्टफोलियो अपना वॉलेट है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए. जब इसमें बहुत
बड़ी कम्युनिटी जिस दिन ये एक्सचेंजेज और मल्टीपल एक्सचेंजेज पे आ रहा है जहां पे बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं, तो जब पूरी दुनिया में NRK की डिमांड बढ़ेगी तो आपके वॉलेट की ऑटोमेटिक ही आपके वॉलेट की साइज है वो बहुत बड़ी बनती चली जाएगी। सर विद इन 30 डेज महीना खत्म होने से पहले पहले हम 2 सेंट से आज 5 सेंट पे रन कर रहे हैं जी। जो लोग साथ बेसिक के अमाउंट को इकट्ठा करने में लगे थे आज वो उसके पहुंच से तो आज ही बाहर होता जा रहा है। राइट राइट। और सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि आज बंदा जो भी इन्वेस्ट करता है मिनिमम देखिए स्टैंडर्ड में 25,000 सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहता है तो वो तो ऑटो पुल अपने आप देने वाला है। मैंने अपनी आईडी को तुरंत इसलिए लगाया कि भाई टीम जब डेवलप होगी हो जाएगी लेकिन सबसे पहले मुझे ऑटो पूल का बेनिफिट लेना है। कंपनी के जो लोग ऑलरेडी एफर्ट कर रहे हैं जो मेहनत कर रहे हैं उनका बेनिफिट मुझे आज से मिलना चालू हो जाए। हो सकता है मेरा फर्स्ट कल आए परसों आए डे आफ्टर टुमारो आए लेकिन ऑटो पूल तो मेरा शुरू हो ही गया है। जी जी परफेक्ट। तो मैं सब लोगों को आपके माध्यम से यही कहूंगा कि जो भी न्यू कॉमर्स है डिसीजन ले लिया है तो डिले इसलिए मत करो क्योंकि आज आप जो फंड सोचोगे कि मेरे को इतना कल डालना है कल वो उससे 1,000-2,000-5,000 ऊपर ही जाने वाला है। NRK जी, की बिल्कुल एवरीडे डे बाय डे यही होता जा रहा है डे बाय डे। तो NRK के रेट को होल्ड करना किसी के हाथ में नहीं बचा है अभी और अभी तो ये फर्स्ट प्रमोशन है फर्स्ट दुबई जो बुला रहे हैं लोगों को। मैं आपको रेट सॉरी जी जी आप पहले अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए उसके बाद मैं एक बात और कंप्लीट करूंगा। हाँ मुझे यही कहना है सर कि ये तो फर्स्ट विजिट है जो 50-60 लोगों का दुबई जा रहा है। नेक्स्ट टाइम आप देखिएगा कि आपको 2-3 बोइंग करने पड़ेंगे लोगों को लेके जाने के लिए। वेरी नाइस थैंक यू सो मच पंडित जी आपने अपने जो थॉट्स हैं वो शेयर किए हैं। मैं आपको सिंपल एक चीज एक मैकेनिज्म बताता हूँ। IEO जब स्टार्ट हुआ था 14th ऑफ मार्च को coinstore.com पे IEO स्टार्ट हुआ था वहां पे 1.5% सप्लाई गई है पब्लिक राउंड में। उससे पहले अर्ली एडॉप्टर राउंड और जो प्राइवेट राउंड था वो लीनियर वेस्टिंग फेज मतलब उस मेथड के थ्रू उसको लॉकिंग में है। वहां पे जो कॉइन्स है वो बाहर नहीं आ रहे हैं अभी तक राइट और बहुत नॉमिनल क्वांटिटी अगले 3 साल तक बाहर आनी है धीरे 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 जिन लोगों ने जो पार्टिसिपेट किया था अर्ली एडॉप्टर राउंड में जो पार्टिसिपेट किया था प्राइवेट सेल में ठीक है प्राइवेट राउंड में। लेकिन जैसे ही पब्लिक राउंड जो एक्सचेंज पे था उसमें 1.5% सप्लाई गई है तो एक बहुत छोटी सी सप्लाई है। अब यहां पे देखिए कि मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है 1.5% सप्लाई यहां पे रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन करना है 30% का। अब 30% लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 1.5% सप्लाई जो मार्केट में उसको आपको ढूंढ के लाना पड़ेगा। आप वहां एक्सचेंज पे गए आपने बाइंग किया बाइंग करने के बाद में आप आए एक वो उसमें से कुछ अमाउंट आपके हाथ में आया उस वो लेकर के आ गए आप N1.live के प्लेटफॉर्म पे जहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में जो एयर ड्रॉप्स वगैरह सारी चीजें हो रही है 30% सप्लाई का N1.live में एक बहुत बड़ा जो पार्ट है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है कम्युनिटी बिल्डिंग पे। लेकिन आने के लिए इस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए आपको जो ओनली 1.5% सप्लाई है उसको परचेज करके लेके आना पड़ेगा और यहां से आपने रखा उसके बदले में आपको रिवॉर्ड मिला कितना बड़ा अमाउंट लेकर के आप वापस से एक्सचेंज पे जा रहे हो जहां पे रिवॉर्ड लेने के लिए भीड़ लगी बैठी है खरीदने के लिए। तो आपकी मर्जी है कि आप उसको बेच रहे हो दूसरों के लिए जो वेटिंग कर रहे हैं वेट कर रहे हैं कि हमें भी रिवॉर्ड चाहिए। वो जब आप बेचोगे नहीं तो कॉइन पे एक्सचेंज पे शॉर्टेज है तो वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं है। तो बहुत कम छोटा सा पार्ट है वो इस चीज के लिए आ रहा है आप इसीलिए रहते हैं वो इतनी तेजी से इंक्रीज हो रही है। बाकी सारा का सारा एलोकेशन लॉकिंग और इन सब चीजों में ऑलरेडी बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक है वो कॉइन्स बाहर निकलेंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस आपने अपने जो एक ऐसा लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी मैं तो इतना सब बोलूंगा कि लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है जिसको आपने अगर ग्रैप नहीं किया है तो आप ग्रेप कर लीजिए ग्रेप कर लिया है तो स्पीड बढ़ा लीजिए कम्युनिटी बिल्डिंग में बहुत बड़ा अचीवमेंट आप यहां से लेने वाले हैं। थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत सारे ऐसे अपडेट्स एवरीडे कोलैबोरेशन। आप आज भी Nordic.io के ट्विटर हैंडल पर जाकर के आप वहां पे भी देख सकते हैं एक नया फिर से एक कोलैबोरेशन वहां पे एक पार्टनरशिप का अनाउंसमेंट हुआ है जिस पार्टनरशिप
अनाउंसमेंट के थ्रू ही 8 मिलियन कॉइन का वो एयर ड्रॉप स्टार्ट होना है। तो उस एयर ड्रॉप की अगर वैल्यू की अगर बात करें तो बहुत बड़ी ह्यूज वैल्यू का अमाउंट की वैल्यू का मतलब एयर ड्रॉप का वो स्टार्ट एक एयर ड्रॉप कैंपेन है वो स्टार्ट होने वाला है बहुत बड़ी कम्युनिटी में ग्लोबली। तो फ्रेंड्स देरी मत कीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हाँ इतना ही कहना चाहूंगा, एवरीडे सेशन आप जितना जूम सेशन में अपनी सारी इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, आप अपने जिनको इनवाइट करते हैं उनको आप खुद अपनी इतनी सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर नहीं कर पाते हैं, तो ये जो सेशन है ये इंफॉर्मेटिव सेशन है, इसको आप एवरीडे डे बाय डे आपको जितने अपने पार्टिसिपेंट्स इस सेशन में लेके आने हैं, उस सेशन में पार्टिसिपेंट आने के बाद में वो आपके नेटवर्क में आपकी कम्युनिटी में आने से आपको कभी मना ही नहीं कर सकता, राइट? तो थैंक यू सो मच, ओवर टू यू अभिनव। थैंक यू थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन जी फॉर क्लियरिंग ऑल द डाउट्स एंड ऑलवेज थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। सो गाइज अभी बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, इन्फॉर्मेशन हमें पता लग चुके हैं, साथ ही साथ बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम जान चुके हैं, एंड अब वक्त हो चुका है चीज़ों पर डिसीजन लेके एक्टिवली काम करने का। अगर आप डिसीजन ले चुके हैं तेजी से आगे बढ़ते रहिए, साथ में चलते रहिए, डेली सेशन को स्टार्ट कर जब भी होता है उसको टाइम भी ज्वाइन कर लीजिए। एंड बहुत अच्छी बात नवीन जी ने कही कि हो सकता है कि आप एग्जैक्टली किसी चीज़ को ना बता पाएं, हम कोई मूवी देख के आते हैं और घर वाले पूछते हैं मूवी कैसी थी तो उसकी समरी बताते हैं, एग्जैक्ट मूवी हम 2 घंटे की मूवी को 2 घंटे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, हम मुश्किल से 10 मिनट 5 मिनट मैक्सिमम एक्सप्लेन करके समरी बता देते हैं। लेकिन जब आप अपने फ्रेंड्स को फैमिली को कलीग्स को टीम्स को डेली जब आप सेशन में लाएंगे तो बहुत अच्छी नॉलेज उन्हें मिलेगी, और नॉलेज इज पावर, ये आपको पता ही है। जितना अच्छा नॉलेज रहेगा, हर इंडस्ट्री में नॉलेज इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ज्ञान रहेगा चीजों के बारे में उतना ज्यादा डाउट्स कम आएंगे, और जब डाउट्स कम आएंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और जब कॉन्फिडेंस आएगा तो कॉम्पिटेंस आएगा, और जब कॉम्पिटेंस आएगा तो सारी चीजें ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज एवरीबडी फॉर पेइंग अटेंशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड एवरीबडी इन द सेशन, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभिनव बीच में इंटरप्ट करूंगा, अभी जितेंद्र जी ने हैंड रेज किया, इनका कोई क्वेरी है तो जितेंद्र जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। बिल्कुल जितेंद्र जी, आपका माइक अनम्यूट कर दीजिए, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हेलो, यस जितेंद्र जी, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं ये पूछना चाह रहा था, ये दुबई जो क्वालिफाइड वाला जो टूर का टूल है, तो ये इसकी डेट ये फिक्स है आज की या फिर इससे आगे भी बढ़ सकती है डेट? सर ये कोई किसी भी कंडीशन में आगे नहीं बढ़ने वाली है, आप आज ही इसको 100% एश्योर करें, आज ही जो करना है आज ही आप उसको कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, ओके सर जी, ये ऑलरेडी मैं पहले ही अनाउंस कर चुका हूँ कि आप लोगों के हो कि कुछ टाइम हमें एक्सटेंड है वो मिलने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। राइट, ओके ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर नवीन जी फॉर ऑलवेज क्लियरिंग द डाउट्स। तो गाइस इसी तरीके से मिलते रहेंगे सेशन में, डेली आइए, डेली सीखिए और डेली करते रहिए, एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट टाइम, एंड यू कैन ऑलरेडी सी कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ आ रहे हैं और हमारे साथ चीजें शेयर कर रहे हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट, मिलते हैं कल इसी प्रकार से सेशन में, तब तक के लिए सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, एंड डोंट फॉरगेट, कीप एंजॉइंग एंड